माफ कीजिएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत मंच पर पहुंचे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं एक बार वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं ऐसे हमारे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल लोकसभा के हमारे सांसद मेरे छोटे भाई तीरथ सिंह रावत जी मंच पर विराजमान। इस कार्यक्रम के जो रियल संयोजक है, एक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा रहते हैं, मंत्री के रूप में कम दिखते हैं, मैं बहुत गौर से देखता रहता हूँ। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री और जिन्होंने बरसों पार्टी संगठन के लिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए अपना एक जीवन का यौवन का समय लगाया, ऐसे हमारे छोटे भाई डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे मध्य प्रदेश के हमारे पर्यटन मंत्री और पंचायती राज के भी मंत्री हैं और भी अनेक विभाग जो देख रहे हैं, हम सबके परिचित आदरणीय सत्पाल महाराज जी, हमारे मध्य ऋषिकेश स्वर्गाश्रम से जो हमारे मध्य पहुंचे हैं पूज्य संत स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, हमारे जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष शांति बहन जी और इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय हमारी विधायक, और जिन्होंने शुरुआत में माननीय योगी जी का यहाँ पर स्वागत किया, हमारी छोटी बहन रेणु बिष्ट जी, पूर्व विधायक हमारी बरसाल बहन जी विजय बरसाल जी, हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष संपत सिंह रावत जी, हमारे जो सेवायोग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र अंसवाल जी, और एक और यहाँ पर हमारे मैं रेडी जी से पूछ रहा था, मुझे ध्यान था कि उनका होम ब्लॉक यही है, हमारे ओपन यूनिवर्सिटी के जो डीसी हैं श्री ओम प्रकाश सिंह नेगी जी, क्योंकि इस ब्लॉक के इसलिए मुझे लगा कि उनका नाम मुझे लेना चाहिए। मंच पर विराजमान तमाम हमारी सम्मानित उपस्थिति और यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र की मेरी सम्मानित बहनों भाइयों बुजुर्गों और युवा साथियों, आज एक बार फिर मैं आपको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। योगी जी हमारे मध्य हैं, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी महंत अवैधनाथ जी की मूर्ति के अनावरण की, और महंत अवैधनाथ जी उन शख्सियतों में से हैं। मुझे याद है एक बार हरिद्वार में संतों का एक प्रोग्राम हो रहा था, राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए तैयारियां हो रही थी, रामनाथपुरम मीनाक्षीपुरम मीनाक्षी में जो टेंपल है जहां पर तमिलनाडु में, एक साथ एक पूरा गांव मुस्लिम गांव बन गया था, जहां शाम को घंटे घड़ियाल बज रहे थे वहां सुबह अजान हो रही थी, और हमारे साधु संत कैसे इकट्ठे हों एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। मैंने हरिद्वार में एक मंच पर देखा, जब मंच पर साधु संत बैठे हुए थे और एक संत ऊपर कुर्सी ऊपर सीढ़ियों पर जो ऊपर चढ़े, उन्होंने देखा कि मेरा जो आसन है वो थोड़ा नीचा है, नाम लेना उचित नहीं है, वो नीचे उतर गए थे। मैं उस समय की परिस्थितियों की व्याख्यान आपके सामने कर रहा हूँ। ये बड़ा चिंता का विषय था, राम जन्मभूमि का निर्माण कैसे हो, कैसे साधु संत हमारे एक मंच पर आए, पूरे खोज भी कौन ये काम कर सकता है, और उसमें से निकले थे महंत अवैधनाथ जी, जिनके नेतृत्व में हमारे देश के पूरे संतों ने सबने एकजुट होकर के और उनको अपना नेता चुना एक तरह से, और उनके सानिध्य में राम जन्मभूमि का आंदोलन आगे चला और राम जन्मभूमि का निर्माण उनके शिष्य के रूप में हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनको अवसर मिला उस राम जन्मभूमि के निर्माण का। बनारस के काशी विश्वनाथ जी के पुनर्निर्माण का कितना सौभाग्य है, कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि आज हमारी माटी के एक पुत्र जिन्होंने संन्यास ले लिया समाज के लिए देश के लिए। जब मैं यूपी में गया था पहली बार मुख्यमंत्री के नाते, तो मुझे प्रेस के लोगों ने पूछा कि योगी आदित्यनाथ जी आपके प्रदेश के हैं, मैंने योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के नहीं हैं, जो संन्यास जिसने ले लिया वो न गाँव का है न जिले का है, वो तो देश के लिए है, वो परमार्थ के लिए है, वो ईश्वर के लिए है। आज योगी आदित्यनाथ जी
आज हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, ये पब्लिक की वॉइस है। या तो अशोक जी सिंघल को लोगों ने बात कही थी जब राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए आंदोलन चला था, या तो आज योगी आदित्यनाथ जी के लिए आज हिंदू हृदय सम्राट की जो आवाज है, अंतर से जो निकलती है, वो आवाज आज हमको सुनाई देती है। मैं आप सबकी ओर से, आज उत्तराखंड की ओर से उनका यहाँ पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्र, मीडिया ने उनके आने पर तमाम तरह के हमको एक पूछे, आएंगे माता जी, आएगा क्या बेटा मेरा? एक भावुक क्षण भी है। तमाम मैं सोशल मीडिया देखता हूं, तमाम मीडिया के बंधुओं ने लिखा कि ये कैसा क्षण होगा। स्वाभाविक रूप से एक भावुक क्षण होता है। सच तो माँ है, माँ से कभी किसी का संबंध विच्छेद नहीं हो सकता है, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो। पिता से हो सकता है, माँ से नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि भावुक क्षण है हम सब लोगों के लिए, पर निश्चित रूप से आज आए हैं उनकी माँ का विश्वास कि मेरा बेटा आया। माँ ही कह सकती है मेरा बेटा, भाई तो महाराज कहेंगे, पिताजी भी महाराज कहेंगे, हम भी महाराज कहेंगे, लेकिन माँ के लिए तो बेटा ही है, उनके लिए महाराज नहीं। आज माता जी का आज उनको सानिध्य मिलेगा, उनका आशीर्वाद उनको माता जी का उनको मिलेगा। मैं इस अवसर पर आज जब इस महाविद्यालय में अवैधनाथ जी के, क्योंकि उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है मित्रों, अगर हम नहीं जानेंगे, हम अगर बोलते दीपक तले अंधेरा, अगर हम नहीं अपनी अपने अपने ऐसे आराध्यों को समझेंगे तो दूसरा कैसे कोई समझ सकेगा। आज उनका आलोक, आज तमाम शिक्षा का क्षेत्र, 45 से ज़्यादा शिक्षण संस्थाएँ पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में आज मठ के द्वारा चल रही है। कितना बड़ा योगदान वहाँ पर मठ कर रहा है, जो एक ऐसा मठ जो कभी दक्षिणा नहीं लेता। उस मठ के हमारे मठाधीश हैं योगी जी, मेरा उनके प्रति बहुत ही आदर और सत्कार का भाव है, सम्मान का भाव है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आने देख रहा हूँ, बहुत दूर दूर से, देहरादून से, गुरुद्वार से, सतपुली से, कहाँ कहाँ से, जिनको मैं इस बीच में भीड़ में थोड़ा पहचान पाया हूँ, लोग सुबह यहाँ पर चल पड़े। सुबह मुझे फ़ोन करे, बेटा हम भी आ रहे। मैंने कहा भाई, अब तो आ सकते हो तो आ जाओ। लेकिन आज हम उनके यहाँ पर आने पर बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं आज आफत आई साहिबा अपनी ओर से, क्योंकि हम यमकेश्वर में मुख्यमंत्री के रहते हैं, मैं नीचे फल नदी में तो दो बार आया हूँ, लेकिन यमकेश्वर में नहीं आया जाता। यमकेश्वर में 1993 में एक बार आया था, उसके बाद आज ही यहाँ पर आना हुआ है। मैं आफत का अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आफत का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।